मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज गार्डन में बहुत सारा सामान फैब्रिकेशन का आ रहा है और ये उनका ही सारा सामान पड़ा हुआ था। और देखिए, कुछ लोग भी आ गए हैं क्योंकि हमें बाउंड्री वॉल पे एक जाली लगवानी थी और कुछ दिन पहले ही हमने इसका ऑर्डर किया था। कुछ गार्डन में ब्यूटिफिकेशन करना है और गार्डन को और सुंदर बनाने के लिए हमें कुछ काम कराना था, तो उसके लिए ही ये जाली हम लगाना चाह रहे थे, इसलिए कि बाउंड्री वॉल अच्छी लगे और सेफ्टी भी थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि पास वाली छत के लिए जो दूसरी वॉल है वो काफ़ी छोटी है। तो ये ऊपर जाली को चढ़ा रहे हैं, ये दो लोग आ गए हैं और ये जाली काफ़ी सारी पार्ट में बन के आई है, तो ये जाली जो है लेके आए हैं और ऊपर की तरफ इसको चढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी सारे हिस्सों में है, इसको ये ऊपर ही जोड़ेंगे। ये देखिए, इन्होंने पास की छत पे ही सारे इकट्ठे कर दिए हैं उनके हिस्से, और काफ़ी सारे अभी और चढ़ाने के लिए हैं बाकी। एक मोटी रस्सी की सहायता से ये सारे ऊपर चढ़ा रहे हैं और चढ़ाने के बाद ये सारे जो हिस्से हैं इनको ये बाउंड्री वॉल पे उनको लगाएंगे और लगा के उनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी मेहनत का काम है और देखिए किस तरह से बाउंड्री पे चढ़े हुए हैं और चढ़ के सारे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। मुझे तो देख के थोड़ा डर भी लग रहा है, पर वो लोग बोल रहे थे नहीं मैम आप डरिए नहीं, हम लोग तो ऐसे ही और भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ जाते हैं और ये सब काम करते रहते हैं ना, तो मुझे देख के बहुत थोड़ा सा डर ही लग रहा था कि तुम लोग चढ़े हुए हो। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए ऊपर देखने के लिए कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, और सब सामान अपना इन्होंने रख लिया है, ऊपर इकट्ठा कर लिया है और अब जोड़ना शुरू किया है इन्होंने। तो अभी थोड़ा हिस्सा इन्होंने जोड़ दिया है तो अभी सेट कर रहे हैं, और सेट करने में तो ये लोग जल्दी ही कर लेते हैं, इन्होंने 4-5 घंटे का टाइम तो फिर भी लिया ही और इसको पूरा सेट करने में, तो अभी तो ये स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिल करके। और इन्होंने नीचे बाउंड्री वॉल में सबको सेट किया और कुछ बीच बीच में इन्होंने पिलर्स भी छोटे छोटे लगाए हैं जिससे सपोर्ट रहे अच्छा। और इसमें काफ़ी सारा काम था और काफ़ी दिनों से हमें मन था कि हम ऐसे लगाएं, और कुछ हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मुझे रॉड्स भी इसमें लगवानी थी तो वो भी लेके आए हैं और उनको ये लास्ट में उनको भी सेट करेंगे। तो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्होंने लगा लिया है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी सारा पार्ट इन्होंने सेट कर दिया है और थोड़े थोड़े हिस्सों में करके और सारा जॉइन हो गया है। हमने पूरी छत पे इसको नहीं लगाया है फ्रेंड्स, इस जाली को हमने बस एक हिस्से में ही छत के अपने लगाई है जाली, क्योंकि पूरा छत हम बंद नहीं करना चाहते थे क्योंकि थोड़ा लगेगा कि बिल्कुल बंद बंद सी हो गई है, तो हमने एक ही तरफ से किया है जहाँ से हमें थोड़ी सी ज़रूरत भी थी क्योंकि सारी छतें मिली हुई हैं तो उधर से हमको ज़रूरत थी। बाकी 3 साइड ओपन है, हमारा कॉर्नर हाउस है तो 3 साइड तो ओपन ही है, तो हमें बहुत नीड नहीं थी कि वहाँ से हम कुछ लगाएं, वो तो सारा हमारी ही जगह है और खाली पड़ी है, तो बस इधर से ही छत ज्वाइन थी तो हमें एक साइड से ही नीड थी, तो हमने एक साइड से ही ये सारी जाली लगाई है। और इस जाली को सेट करने में इनको काफ़ी टाइम लगा, उन्होंने बोला 4-5 घंटे का टाइम लग गया इनको, और हमें भी लगातार खड़े ही रहना पड़ा क्योंकि देखना पड़ता है कि लोग ठीक से काम करें और हमारा जो भी काम हो रहा है मज़बूत रहे, क्योंकि टेरेस पे था तो हर चीज़ की मज़बूती का ध्यान रखना है। और बड़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं अक्सर यहाँ पर, तूफ़ान आते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि मज़बूत सा लगाएँ जिससे कि ये कभी हवा के ज़ोर से गिरे नहीं, हिले नहीं। वैसे जाली इन्होंने काफ़ी मज़बूत लगाई है बट फिर भी हमें देखना तो पड़ेगा। देखिए रॉड में दिखा रही हूँ, इस पर इन्होंने हुक्स लगाए हैं और ये रॉड ये ऊपर फिट करेंगे, अभी ये नीचे ही रखी है, इनमें काफ़ी सारे हुक्स लगा के लाए हैं, नीचे भी एक रॉड पड़ी हुई आपको दिख रही होगी और ये रॉड भी इन्हें ऊपर फिट करनी है। कहाँ ऊपर फिट करनी है ये तो मैं तभी बता पाऊँगी जब पूरा लगा लेंगे और इसको सेट कर देंगे जहाँ पे इनको लगानी है। तो ये काफ़ी बड़ा काम था और हमने कुछ दिनों पहले इनको ऑर्डर दिया था, अब उस हिसाब से काफ़ी जल्दी लगा रहे हैं। अब देखिए भी चढ़ के देख रहा है कि ठीक से सेट हुआ है कि नहीं, तो हिला के देख रहा है ये, तो ये देखिए हिलाया इसने, तो ये देखिए हिला, और हिलने यही हमें देखना था कि मजबूती रहे इसको, तो उसके बाद उसने सारा ठीक किया वहाँ पे, फिर से इसको ज्वाइन किया। तो ये भी करना बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई लोगों से काम कराए बनाई इसलिए ठीक से सेट हुई है कि नहीं हुई है चीज़, तो इसीलिए हम पूरे टाइम खड़े रहे। अभी रॉड्स भी देखिए इन्होंने ऊपर सेट कर दी हैं,
ये ऊपर रॉड ही सेट कर रहे हैं इस वक्त आज जिसके लिए फैब्रिकेशन कर रहे हैं। ये ऊपर जहाँ पे हुक्स लगे हैं और हैंगिंग प्लांटर्स के लिए हमने हुक लगवाए हैं वहीं पे ये पूरी सेटिंग हो रही है और इसमें ये वहाँ से वेल्ट कर रहे हैं जिसे अच्छे से लग जाए वहाँ पे। अब ऊपर मैं क्या हैंगिंग प्लांटर्स लगाऊंगी इस तो बात की बात है, हम देखेंगे कि हम क्या लगाते हैं। तो आज बस इतना ही काम कराया हमने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।